Hi guys, namaste. Welcome back to my channel and I am Suman. हो गई दिवाली, मन गई एंड बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी हो गई। बहुत सारी ना चाहते हुए चाय पी गई हैं, बहुत सारे ना चाहते हुए ड्राई फ्रूट्स खाया गया है और उसके साथ साथ बहुत सारी मिठाइयाँ भी खाई गई हैं। डिनर्स हुए हैं, आउटिंग हुई है, कार्ड पार्टीज हुई हैं एंड उसके साथ साथ अननेसेसरी या फिर जान के या फिर जानबूझ के अल्कोहल भी गया है एंड उसके साथ बहुत सारे स्नैक्स भी गए हैं, ये सोच के कि दिवाली है। चलो इट्स ओके अगर दिवाली है, पर अब आना है वापस ट्रैक पर। सो ट्रैक पे कैसे आया जाएगा? इन सब चीज़ों का रिजल्ट पता है क्या निकलता है? जॉइंट पेन्स, पूरे के पूरे कंधों में दर्द, सर्वाइकल में पेन, आपके लेग्स में पेन, आपकी फीट में पेन, आपकी स्टमक में अल्सर्स, आपके स्टमक में ब्लोट करना एंड उसके साथ साथ आता है बॉडी पे स्वेलिंग। इतना ज़्यादा स्वेलिंग होगा इस समय आपकी बॉडी पे, इतनी ज़्यादा, अगर आप अपना वेट चेक करोगे यू विल बी शॉक्ड। एटलीस्ट 3 से 4 किलो आराम से बढ़ा होगा। क्या आपको लगता है कि 3 से 4 किलो बढ़ना आपका फैट बढ़ा है? बिल्कुल भी नहीं, ये जस्ट वाटर रिटेंशन है एंड बॉडी पे जस्ट अ स्वेलिंग है। ये 3 से 4 किलो जो इंस्टेंट बढ़ा है ये आपके जंक खाने से या फिर आपके अल्कोहल के पीने से नहीं बढ़ा, ये सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर लिया है। बॉडी एग्जॉस्ट होने की वजह से बॉडी ने वाटर को होल्ड कर लिया है एंड उसकी वजह से आपका वेट जो है बढ़ा हुआ है। अब बात करते हैं हम डिटॉक्स की और बॉडी को क्लीन करने की। अब डिटॉक्स का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारी ग्रीन टीज पियो, जूसेस पियो, अपने आप को तंग करो, खाना ना खाओ और पूरे दिन बिस्तर पे पड़े रहो। डिटॉक्स का मतलब सिंपल है, आपने अपनी केयर करनी है, अपनी बॉडी को ट्रैक पे लाना है। ये 1 वीक का पूरा डाइट प्लान और प्रोग्राम है जिसकी हेल्प से आपकी जो बॉडी बिल्कुल ज़्यादा बिल्कुल डैमेज हो गई है वो वापस ट्रैक पे आएगी। करेक्ट। सो ये जो डिटॉक्स का प्लान है और ये जो बॉडी क्लिनजिंग का प्लान है इसके अंदर हमें क्या क्या करना है? 5 बेसिक स्टेप्स इसमें सबसे पहले करने हैं। सबसे पहले जय श्री राम बोल के अपना वेट चेक करो, सच्चाई का सामना करो कि बढ़ा कितना है, लॉस कितना हुआ है। नंबर 2, आपने अपनी स्लीप का ध्यान रखना है, नींद लेनी है, दिन में भी छोटा सा नैप लेना है और रात को भी अच्छे से नींद लेनी है। नंबर 3, हेड मसाज करना है, फेस में मास्क लगाना है, अपनी केयर करनी है बेसिकली, पैरों की बहुत अच्छे से मालिश करानी है और गर्म पानी की बॉटल से बॉडी की सिकाई करनी है। नंबर 4, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, घर में जितना भी आपके पास पैकेट फूड आया है, लिक्विड शुगर आई है विच इज़ लाइक कोल्ड ड्रिंक, आपके पास जूसेस की बॉटल्स आई होंगी दिवाली एक्सचेंजिंग गिफ्टिंग में, बहुत सारी मिठाइयाँ, चॉकलेट्स, चिप्स, रेफर्स, जितनी भी चीज़ें आई हैं सब उठाओ, किसी न किसी नीडी को दे दो, बाहर कर दो। आपके घर में कोई भी सामान नहीं होना चाहिए। एंड नंबर 5, आपने बहुत अच्छे से पानी पीना है एंड बहुत अच्छे से बॉडी को यूरिनेट करना है, बिल्कुल अच्छे से फ्लश ऑफ करना है। वो सब चीज़ें कैसे होंगी, स्टार्ट करते हैं ये डाइट एंड इससे आप इजीली लूज़ करोगे अपने 3 से 4 किलो 1 वीक के अंदर, जो कि आपका वाटर वेट है, जो कि गेन वेट है और स्वेलिंग भी कम होगी। इस डाइट के अंदर मैं एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, 6 बजे के बाद की फास्टिंग। 6 बजे आपने डिनर कर लेना है और 6 बजे के बाद आपने कुछ भी नहीं लेना और 10 बजे आपने सोना है। अगर आप फॉर एग्जांपल 11 बजे सो रहे हैं देन आप 7 बजे लेंगे, बट अगर आप 6 बजे वाली विंडो लेते हैं फास्टिंग की कि 6 बजे के बाद आप कुछ नहीं खा रहे, 6 बजे आपका डिनर टाइम आप लेके चल रहे हो, ट्रस्ट मी आपका 4 किलो कहीं भी नहीं गया इन जस्ट 1 वीक के अंदर। स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक और चलते हैं किचन में। मॉर्निंग ड्रिंक के लिए मेरे पास है करेला, जिसके बीच मैंने निकाल लिए 2 करेला, 50 ग्राम्स ऑफ एश कार्ड एंड थोड़ा सा मेरे पास यहाँ पे है मेरा आंवला। अब इसका निकालेंगे जूस। हमारा जूस का शॉट जो है वो रेडी है एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर मॉर्निंग ड्रिंक। सो ये जो मॉर्निंग ड्रिंक था ये थोड़ा सा कड़वा है, बट इतनी सारी मिठाइयाँ खाई हैं तो ये चलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। नाउ ब्रेकफास्ट में हम बनाएंगे मसाला ओट्स। हमें फाइबर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस डाइट के साथ, प्रोटीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, हमें नेचुरल एक्सेटिव अपनी बॉडी के अंदर डालने हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारा फाइबर के साथ साथ कार्ब्स को भी लेके चलना है। अगर आप कुछ भी चीज़ें मिस करोगे, कार्ब्स को हम थोड़ा सा कम रखेंगे, प्रोटीन एंड फाइबर को हम ज़्यादा रखेंगे, बट अगर कुछ भी चीज़ मिस करोगे बॉडी पहले ही एग्जॉस्ट है और ज़्यादा ख़त्म हो जाएगी। चलते हैं किचन में बनाते हैं हमारे मसाला ओट्स। सबसे पहले हमें मसाला ओट्स बनाने के लिए यहाँ पे चाहिए
थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, ख़त्म हो गया मेरा भी। ओके नेक्स्ट, ये रहे मेरे पास जीरा, मैंने डाल दिया थोड़ा सा जीरा इसमें। अच्छे से जीरे को हम भून लेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे हमारी सब्जियां। यहाँ पे मेरे पास है शिमला मिर्ची, प्याज, टमाटर, चॉपर में सबको डाल के चॉप कर लिया। विद इन अ मिनट ये सारा हो गया। थोड़ा सा पानी इसमें डाला है मैंने, थोड़ा सा मेरा पानी। आप डालेंगे इसमें सारे मसाले। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, हल्का सा नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरे 3 चम्मच जितने रोल्ड ओट्स। बहुत अच्छे से पानी में मिक्स करा और अब हम इसे पकने देंगे सिम आंच पर 3 to 4 मिनट्स के लिए। ओके सो ये रहे हमारे ओट्स, बिल्कुल रेडी है, बहुत यम्मी है एंड खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। आप चाहो तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हो फॉर टेस्ट। एंड इट्स रेडी, रिच इन फाइबर, रिच इन प्रोटीन एंड इट्स गुड। मसाला ओट्स की रेसिपी के अलावा अगर आपको ये रेसिपी बिल्कुल पसंद नहीं है, यार मैं नहीं खा सकती 7 दिन के लिए मसाला ओट्स, नेक्स्ट रेसिपीज़ में आपको ये बताती हूँ। मेरे चैनल पे बहुत सारे सैंडविचेस की रेसिपीज़ है, हाई प्रोटीन सैंडविच है, चना सैंडविच है, पनीर सैंडविच है और मशरूम सैंडविच। आप इनमें से कोई भी सैंडविच पिक कर सकते हैं एंड अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिड ब्रेकफास्ट की। नॉ मिड ब्रेकफास्ट के अंदर आपने लेना है 1 कप ग्रीन टी, कोई सी भी ग्रीन टी, किसी भी टाइप की ग्रीन टी। उसके साथ हम लेंगे कोई भी 1 हैंडफुल ऑफ स्नैक्स। स्नैकिंग के लिए मैं आपको बोलूँगी बेस्ट इज फ्रूट, कोई भी विटामिन सी का फ्रूट आप पिक करेंगे, या तो माल्टा लेंगे या फिर कीनो लेंगे या फिर ऑरेंज लेंगे, बहुत अच्छा मार्केट में आ रहा है, या तो बाउल ऑफ पपाया लेंगे या फिर आप लेंगे पाइनएप्पल्स और कीवी। इनके अलावा और कोई भी फ्रूट्स आपने नहीं लेने। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लंच की। नाउ लंच के अंदर अगेन हम जाएंगे हाई प्रोटीन सैलेड के अंदर, तो वहाँ पे मुझे चाहिए पनीर एंड सोयाबीन का बहुत सारी सब्जियों को मिक्स करके सैलेड। कैसे बनाना है 2 मिनट की रेसिपीज है, चलते हैं किचन में। नाउ मूव टू लंच। लंच के अंदर यहाँ पे अगेन मैंने लिया है अपना एक पैन, इसके अंदर मैं डालूँगी मेरा ऑलिव ऑयल। अब इसके अंदर हम डालेंगे जीरा, नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे प्याज, नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर, नेक्स्ट इसके अंदर मैंने डाला है हल्दी, नमक और सूखा धनिया। खूब अच्छे से इसको मिक्स करा हमने। अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारे सोया चंक, 10 से 8 सोया चंक इसमें मैंने डाले हैं। ओप्स, इसके अंदर हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी और अब हम इसे पकने देंगे सिम आंच पे 5 मिनट के लिए। नेक्स्ट अब इसमें मैं डाल रही हूँ पनीर, काफ़ी थोड़ा सा, इसको हम पकने देंगे 2-3 मिनट और हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। एंड दिस हाई प्रोटीन सैलेड बाउल बिल्कुल रेडी है। अगर लंच में आपने ओट्स एंड सोयाबीन की सैलेड खाने का मन नहीं है, मेरे चैनल पे बहुत सारी दाल की सैलेड्स हैं, हाई प्रोटीन सैलेड, चना सैलेड है, वाइट चना, ब्लैक चना, राजमा सैलेड है, लोबिया का सैलेड है, इनमें से कोई भी सैलेड आप पिक कर सकते हैं एंड अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। मेक श्योर आप उसमें बहुत सारा अपना खीरा, प्याज, टमाटर, मूली और गाजर डालेंगे। बात करते हैं अब इवनिंग टी की। नाउ इवनिंग टी के अंदर मैं यहाँ पे बोलूँगी आपको पील टी, लेमन पील टी लीजिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैट कटर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपकी लोअर बेली पे वर्क करेगा क्योंकि स्टमक सबसे ज़्यादा स्वेलिंग करता है इस टाइम पे, और बहुत ही ईजी रेसिपी है, चलते हैं किचन में। सो ये रही हमारी लेमन पील टी, इसकी रेसिपी मैंने अभी रिसेंटली अपने लास्ट वीडियो में डाला था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इवनिंग टी ये रहे मुट्ठी भर मेरे पास पम्पकिन, ये सनफ्लावर सीड, भुना हुआ चना। इतने फ़ायदे हैं इसके, इस भुना हुआ चने के, ये इतना अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है जो कि लोग आज के टाइम में इसे खाते भी नहीं हैं। नेक्स्ट मेरे पास पम्पकिन सीड्स, बिना नमक के, टोस्ट नहीं किया मैंने इसे, जस्ट रॉ हम खाएंगे। और ये रहा हमारा इवनिंग स्नैक।
नेक्स्ट हमने पील टी के साथ स्नैकिंग लेना है. स्नैकिंग के अंदर मखाना यू कैन टेक भुना हुआ चना, पम्पकिन सीड और सनफ्लावर सीड. अगली चीज़ हम बात करते हैं ना डिनर की. डिनर के लिए बहुत अच्छी नींद आनी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एंड ये 7 days का हमारा डिटॉक्स प्लान चल रहा है. मेरे चैनल पे बहुत सारे शीरे की रेसिपी है. सूजी का शीरा है, रागी का शीरा है, बेसन का शीरा है, ड्राई फ्रूट्स का शीरा है और कोकोनट एंड ओट्स का शीरा है. कोई सी भी शीरा का रेसिपी पिक करो, अपनी डाइट में ऐड करो डिनर में एंड सो जाओ. 10 बजे की जो नाइट ड्रिंक है वो भी इस डाइट में नहीं लेनी है. दैट्स इट. 6 बजे के बाद दैट्स इट. पानी का इंटेक भी हम उतना करेंगे जितनी हमारे को रिक्वायरमेंट है. रात को पैरों की मालिश कराओ और सो जाओ. ट्रस्ट मी, बिलीव मी, जब भी मेरे साथ ऐसी सिचुएशन होती है, बिकॉज बहुत सारी इस साल में तो मैंने एक बहुत अच्छी मैंने एक बहुत बड़ी चीज़ बनाई है, तो उसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन हुए हैं मेरी हेल्थ में. ये जो मेथड है मेरी हेल्थ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. उसके अलावा अगर आप चाहते हो 1 घंटे की वॉक अगर आप अपने लिए निकाल सको शाम के 7 से 8 बजे के बीच में, वो बेस्ट है, बेस्ट बेस्ट है. सो ये जो 6 बजे की फास्टिंग का मेथड है, बिलीव मी ये बहुत स्ट्रांग मेथड है आपका फैट को लूज़ करने का एंड आपके मेटाबॉलिक को ठीक करने का. सिमिलर सी बात है, जब भी बॉडी को रेस्ट मिलेगा बॉडी बहुत अच्छे से ग्रीसिंग होके नेक्स्ट मॉर्निंग और अच्छे से काम करेगी. एंड वाटर का ध्यान रखना है, आपने 3 से 3.5 लीटर का पानी पीना है. That's it. And make sure आप अपनी body को track पे लाएंगे within just 1 week के अंदर. And ये मेरा promise है, अगर आप इस method के हिसाब से चलोगे 6 बजे के बाद की fasting का, आपका 1 week में 4 किलो कहीं भी नहीं गया, बिल्कुल जाएगा. Okay, so that's it. And I'll see you soon in my next upcoming video. Till that time आप अपनी body को recover करो, ठीक करो, ध्यान दो अपनी body पे. And हो गया festival, ख़त्म करते हैं, back to track पे आते हैं. Take care जी, bye bye.